हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू की, जिसमें बात कर रहे थे हम एनिमल टिश्यू के बारे में, और एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू अपना चल रहा था, और कनेक्टिव टिश्यू में भी अपने टाइप आज बात करेंगे हम टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला है एरियोलर टिश्यू। इस एरियोलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़े से लूज रहते हैं, और अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट, जेली लाइक, स्टिकी, हाईली वस्कुलर मैट्रिक्स इनके अंदर पाया जाता है। ट्रांसपेरेंट, स्टिकी, जेली लाइक, वास्कुलर मैट्रिक्स इनके अंदर पाया जाता है। मैट्रिक्स यानी कि एक लिक्विड, कई बार मैं बता चुका हूं। तो इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, स्टिकी यानी चिपचिपा, जेली लाइक, वास्कुलर यानी बहुत सारी वेसल्स वहां पर पाई जाएंगी, और इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स और सेल्स और म्यूसिन पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स यानी इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, कई तरीके की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर, और यहाँ एबंडेंट में पाया जाता है म्यूसिन, जो कि एक सब्सटेंस का नाम है। तो ये तीनों चीज़ें इस मैट्रिक्स जो कि पाया जाता है एरियोलर टिश्यू के अंदर, मैट्रिक्स जो कि ट्रांसपेरेंट, स्टिकी, जेली लाइक होता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं तीनों ही सब्सटेंस। दो तरीके के होते हैं अगर हम बात करें। इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर जो हैं इनमें दो तरीके के होते हैं। इनके जो फाइबर्स हैं इनमें, ये फाइबर्स टू टाइप्स के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। किसके अंदर? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहाँ? एरियोलर टिश्यू के अंदर का जो मैट्रिक्स है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, स्टिकी है, जेली लाइक है, वास्कुलर है, उस मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स जो है वो तीन तरीके के चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, सेल्स पाई जाती हैं, म्यूसिन पाया जाता है, और जो इसमें फाइबर पाया जाता है वो भी दो तरीके का होता है, वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर। वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। जो ये वाइट कोलेजन फाइबर है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। किसका? कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ होता है ये वाइट कोलेजन फाइबर। और येलो इलास्टिक फाइबर की बात करें तो ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है ये येलो इलास्टिक फाइबर। तो ये बात थी एरियोलर की अभी छोटी सी। अगर हम बात करें कि ये जो कोलेजन फाइबर है या कोलेजन जो प्रोटीन है, ये कोलेजन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ यानी मजबूती भी प्रदान करता है इन एरियोलर टिश्यू को, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। वहीं हम बात करें ये येलो इलास्टिक फाइबर की, तो ये इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन टिश्यू को, एरियोलर टिश्यू को, ठीक है। इलास्टिसिटी यानी लचीलापन। एक और बात, इट इज मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि बहुत ज्यादा ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, यानी कि मोस्ट एब्यूंडेंट टिश्यू है, यानी बहुत, यानी कि संख्या में बहुत ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मोस्ट एब्यूंडेंट होता है और बॉडी के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हर एक ऑर्गन के अंदर एक तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये आपको वाइसरल ऑर्गन्स में, ये जो एपी, ये आपको मिलेगा बीनीथ द एपिथीलियम,
एपिथिलियम के नीचे ज़्यादातर आपको मिलेंगे। ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइसरल ऑर्गन है, इंटरनल जो ऑर्गन है, उनकी लाइनिंग में, उनके अंदर ये मिल जाएगा आपको, और ब्लड वेसल्स की वॉल में, यानी कि वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये टिश्यू जिसका नाम है एरियोलर टिश्यू। फंक्शन की बात करें तो ये स्किन से बाइंड होता है विद द मसल, यानी कि स्किन और मसल को बाइंड करने का काम करता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्किन को बाइंड कर देता है, जोड़ देता है मसल्स के साथ, यानी स्किन को मसल से जोड़ने के लिए जो फाइबर या एक तरीके से टिश्यू जो होता है उसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। वाइसरल ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है, उनको एक तरीके से सपोर्ट प्रदान करता है। ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अंदर भी ये पाया जाता है, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम करता है। इंटरनल ऑर्गन को वाउंड को हील करने के काम आता है, यानी जो घाव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई चोट लग जाए, घाव बन जाए, तो उसको जल्दी हील करने के काम में भी काम आता है एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू। या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है यानी कि कोई माइक्रोब वगैरह या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको भी ख़त्म करने का काम करता है बॉडी के अंदर। तो कुल मिला के ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से एक टिश्यू है जिसका नाम है एरियोलर टिश्यू। सेकंड की बात करें तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी बारे में बात करें कल, आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच।